सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और उसके रिव्यूज़ के बारे में जानने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंकित जना और मैं आपको मेरे चैनल टेक्निकल बैंक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जियो का फ़ोन का बताऊंगा जो कि कल ही लॉन्च हुआ है। दोस्तों, आपने जियो फ़ोन का बारे में सुना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा कीपैड वाला फ़ोन था और उसमें व्हाट्सएप सपोर्ट तो शायद नहीं था और उसमें आप जियो सिम यूज़ कर सकते हैं और भी थोड़ा बहुत फीचर्स था जो कि 1500 रुपये के अंदर आ जाता था। तो दोस्तों, आज जियो ने जियो फ़ोन 2 नाम के और एक फ़ोन से लॉन्च कर दिया है जो कि क्वाटी कीबोर्ड वाला फ़ोन है। दोस्तों, ये फ़ोन दिखने में नॉर्मल वो जो हमारा नोकिया का क्वाटी कीबोर्ड वाला फ़ोन आते थे वैसा ही दिख रहा है। तो चलिए, आगे की वीडियो में मैं आपको इसका सारा प्राइस और स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर फ़ोन देख रही है आपका जियो फ़ोन 2, तो देख लीजिए, मैंने बताया था कि आपको ये नोकिया के क्वाटी कीबोर्ड फ़ोन जैसा दिख रहा है। तो चलिए, इसका फीचर्स का मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहला जो फीचर है ये आपका व्हाट्सअप सपोर्ट करेगा। तो अभी बाकी के सारे फीचर्स की मैं बात करूँ तो इसमें दोस्तों आपको 512 MB का रैम दिया गया है और इसका जो स्क्रीन साइज है दोस्तों वो है 2.40 इंच, जिसका रेजोल्यूशन 240x320 pixels है। और स्टोरेज में दोस्तों ये फ़ोन थोड़ा अच्छा है, इसमें आपको 4GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है जिससे आप 128GB तक भी एक्सपेंड कर सकते। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो है KIOS, ये शायद जियो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका कैमरा जो है दोस्तों 2 MP का दिया गया है और इसका दोस्तों फ्रंट कैमरा भी है, ये बहुत अच्छा बात है दोस्तों। इस पर इतना भी ज़्यादा पिक्सल नहीं है, ये तो जब फ़ोन यूज़ में आएगा तभी पता चलेगा कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो इसका जो दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो है 0.3 MP। और दोस्तों, थोड़ा बहुत फीचर्स इसमें ज़्यादा है, इसमें आपका वाईफाई है, GPS है, NFC है दोस्तों, ये बहुत अच्छा फीचर है। आप इसमें कोई भी वाईफाई सपोर्टेड डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आपका इसमें FM रेडियो भी है। तो चलिए, अभी इसका प्राइस का जान लेते हैं। तो प्राइस के मामले में दोस्तों स्मार्टफोन तो नहीं है, ये जो फ़ोन है दोस्तों ये है आपका 3000 रुपीज़। मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि इतना भी फीचर्स नहीं है, ना ही कोई बड़ा स्मार्टफोन है जिसमें बहुत सारे एंड्रॉयड फीचर्स आते हो। पर मेरे ख्याल से दोस्तों जियो को इसका प्राइस कट करना चाहिए, इसका 2000 से 2500 का बीच में रखना चाहिए। और सबसे ख़ास बात दोस्तों, इसमें आपको 2000 mAh का बैटरी मिल रहा है। तो आपको पता होगा कि ये जो फ़ोन्स आते हैं जो हमारे कीपैड वाले फ़ोन्स में, ये 2000 mAh मतलब 10 दिन चल जाएंगे आराम से, तो आपको बैटरी का मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी बस हमारे जियो फ़ोन 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पर।